हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सॉल्यूशंस। और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी जीजी फाइल में से कोई सिंगल फाइल और डायरेक्टरी कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो कभी आपको ऐसी रिक्वायरमेंट हो सकती है कि जो जीजी फाइल आपके पास अवेलेबल है उस जीजी फाइल में से केवल आपको कोई सिंगल फाइल और डायरेक्टरी की ही आवश्यकता है। तो उस कंडीशन में आपको पूरी जीजी फाइल को एक्सट्रैक्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप चाहते हैं तो उस जीजी फाइल में से कोई उस सिंगल फाइल और डायरेक्टरी को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये कैसे करते हैं ये इस वीडियो हम सीखेंगे। तो ये आप दो तरह से इस टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड में आपको कमांड एग्जीक्यूट करना होगा tar-xvz-f, उसके बाद उस जीजी फाइल का नेम आपको लिखना है जिसको आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं या जिसमें से वो फाइल या डायरेक्टरी आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, और उसके बाद में उस सिंगल डायरेक्टरी और उस फाइल का नेम आपको लिखना है जिसको आप जीजी फाइल में से एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। सेकंड मेथड में आपको कमांड एग्जीक्यूट करना होगा tar --extract --file इक्वल टू उस जीजी फाइल का नेम आपको लिखना है जिसमें से आप वो फाइल या डायरेक्टरी एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, और उसके बाद में उस फाइल या डायरेक्टरी का नेम आपको लिखना है जिसको आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं उस जीजी फाइल में से। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो अभी हमारी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है /my-solution/y-directory, ठीक है। इस डायरेक्टरी का कंटेंट चेक कर लेते हैं ls कमांड की सहायता से। तो यहाँ पर ऑलरेडी एक जीजी फाइल क्रिएटेड है, और सबसे पहले इस जीजी फाइल का कंटेंट चेक कर लेते हैं, कंटेंट लिस्ट आउट करते हैं tar कमांड की सहायता से। तो ये इस जीजी फाइल का कंटेंट है। अब इस जीजी फाइल में से मैं केवल इस फाइल को ही एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ, यानी पूरी फाइल को एक्सट्रैक्ट ना करके मुझे केवल इस फाइल को ही एक्सट्रैक्ट करने की आवश्यकता है। तो इसके लिए कमांड होगा tar, फर्स्ट मेथड में हम कमांड एग्जीक्यूट करेंगे tar-xvz-f, उसके बाद में उस जीजी फाइल का नेम आपको लिखना है, और उसके बाद में उस फाइल का नेम आपको लिखना है जो फाइल आप उस जीजी फाइल में से एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर केवल आपको फाइल का नेम ही नहीं लिखना है, ये जो पूरा पाथ है आपको इसी तरह यहाँ पर लिखना है, इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है /file4.txt, यानी जिस फॉर्मेट में यहाँ पर शो हो रहा है उसी फॉर्मेट में आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अगर आप अलग लिखते हैं तो ये कमांड एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये एरर शो करेगा। एंटर की प्रेस करके देखिए, तो देखिए यहाँ पर file4.txt फाइल एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। ls-l कमांड एग्जीक्यूट कीजिए, देखिए यहाँ पर file4.txt फाइल यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। इसके बाद किसी डायरेक्टरी को अगर आपको एक्सट्रैक्ट करना है उस जीजी फाइल में से, तो उसके लिए कमांड होगा, सेम कमांड है, यानी जिस डायरेक्टरी को आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं उस डायरेक्टरी का पूरा पाथ आपको लिखना है, जिस फॉर्मेट यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है उसी फॉर्मेट आपको यहाँ पर लिखना है। देखिए यहाँ पर my dir डायरेक्टरी यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। तो ls-l कमांड यूज कीजिए, तो देखिए यहाँ पर my dir डायरेक्टरी एक्सट्रैक्ट हो चुकी है, यानी पूरी फाइल, पूरी जीजी फाइल को आप एक्सट्रैक्ट ना करके जिस फाइल या डायरेक्टरी आपको आवश्यकता है वो आप उस फाइल और डायरेक्टरी को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जीजी फाइल में से। सेकेंड मेथड में आपके पास आप कमांड एग्जीक्यूट करना होगा tar --extract, उससे पहले उस जीजी फाइल का कंटेंट लिस्ट आउट करते हैं tar-tvf-tar। अब मुझे इस फाइल को एक्सट्रैक्ट करना, मैं इस फाइल को एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूं, तो सेकंड मेथड में कमांड आपको एग्जीक्यूट करना होगा tar --extract --file इक्वल टू उस जीजी फाइल का नेम आपको लिखना है जिससे आप ये फाइल एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, और उसके बाद में उस फाइल का नेम आपको लिखना है जो आप उस जीजी फाइल से एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे file123 एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। पहले मैं इस डायरेक्टरी को रिमूव कर देता हूं, अब मैं एक्सट्रैक्ट करता हूं। तो देख लीजिए यहां पर ये डायरेक्टरी एक्सट्रैक्ट
हो चुकी है। तो इस प्रकार आप tar कमांड की सहायता से किसी जीजी फाइल में से कोई सिंगल फाइल या सिंगल डायरेक्टरी को भी आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, पूरी फाइल को एक्सट्रैक्ट करने की बजाय। जब आपको किसी जीजी फाइल में से कोई सिंगल फाइल या किसी सिंगल डायरेक्टरी को एक्सट्रैक्ट करने की आवश्यकता हो तो आप ये कमांड यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।